और मेरे यारे पैरो, क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। चलो आज तुम्हें राइड पे लेके चलता हूँ। क्या हो अगर मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिले और एक पूरा व्लॉग जो है मैं उसके साथ ही शूट करूँ या उसको राइड पे लेके जाऊँ? बड़ा मज़ेदार है ना। तो अगर आप में से कोई भी कभी मुझे मिले और राइड के लिए पूछे तो आई विल नेवर से टू नो, बट मेरे पास टाइम होना चाहिए, अदरवाइज़ मैं आपको इंस्टा पे मैसेज डाल दूंगा कि नेक्स्ट टाइम कब की डेट पे कब लेके चलूँगा, कहाँ लेके चलूँगा। प्रिटी श्योर आई विल डेफिनेटली गो ऑन अ राइड विद माई सब्सक्राइबर, सो डोंट हेजिटेट टू टॉक विद मी इफ यू कॉट मी एनीवेयर, इफ़ यू सी मी एनीवेयर, जस्ट स्टॉप एंड आस्क फॉर अ राइड, आई विल डेफिनेटली बी विद यू। तो इतना तो मैं सब्सक्राइबर के लिए कर ही सकता हूँ, क्या बोलते हो? ये आराम का मामला। अरे भाई साहब, हेलमेट पे लेट के बना रहा है आराम से बैठ के। भाई साहब क्या खड्डे में कुदाई मैंने भाई, कभी कभी किसी ने नोटिस करी क्या? नहीं करी तो करो भाई। ये ऑटो वाला भी ना भाई, ये ऑटो वाले ना ऐसे साइड में घेर के खड़े हो जाते हैं भाई, बंदा कहाँ से निकलेगा भाई एक्टिवा वाला। देखो भाई रेड लाइट पे अक्सर ऐसे होता है। क्या यहाँ पे फास्ट भगा सकता हूँ? पर यार क्राउड ज़्यादा है ना, क्राउड नहीं मतलब ट्रैफिक से है थोड़ा सा। वो देख 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 कभी अचानक से कुछ दिखे ही ना मुझे। चले वो वीली मार दूँ क्या इसी में ही? अभी 3-4 दिन में एक स्प्लेंडर का जुगाड़ हो जाएगा और फिर वीली सीखता हूँ। पहले तो स्प्लेंडर से वीली और सॉपी लगाना सीखना पड़ेगा, तब बनेगी बात। वाओ, हो, क्या लगता है ये जो बाइक है इसमें आराम होता होगा क्या? मतलब बंदा थक नहीं जाएगा इसमें काफ़ी टाइम तक? इन्हीं से पूछूँ क्या? ये लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल है प्रॉपर? सही चलती है तो हो गया। अच्छा ये भी है। हाँ ये भी होता है भाई, बंदा यूज टू हो जाता है थोड़ा सा। यार एक कॉल आ गया, पहले तो यहाँ रेड लाइट क्रॉस करूँ, यहीं खड़ा हो जाता हूँ। रुको, आई गॉट अ कॉल, वट शुड आई डू? आई हैव टू पिक अप। अननोन नंबर से तो मैं उठाता नहीं भाई, चाहे कोई भी हो। ये वाला फ्लाई, ये जो अंडरपास है इसमें तो मैं पहली बार जा रहा हूँ। ये हुड्डा सिटी सेंटर के नीचे वाला है। अब मैं यहाँ तेज़ भगाऊँ पता लगे वहाँ टर्न अराउंड ज़्यादा टाइट है, क्या होगा मेरे साथ? रोड भी चिपक जाऊँगा दीवार के ऊपर। हाँ मुझे वो थोड़ा घुमावदार सा लग तो रहा है, यहाँ पे तो लीन जाएगी पूरी जो बाइक। ये तो कॉर्नरिंग था, पूरा का पूरा ही कॉर्नरिंग था एकदम। साउंड सुनो, लेट्स चेक द साउंड। लेट्स चेक अप द साउंड गाइस, लेट्स चेक अप द साउंड। मस्त आ रहा था ना साउंड तो। इसका साउंड खोलना आज प्रॉपर। mm-hmm.
साउंड इसका खोल दूंगा ना प्रॉपर, तब मज़ा आएगा। अभी तक ना मैंने इसके अंदर ना एग्जॉस्ट बोल रहा हूँ, मैं एयर फिल्टर लगाने वाला था, मैंने अभी तक वो भी नहीं लगवा रखा। मैं सोच रहा हूँ एक बार इसका साउंड ढंग से खुल जाए, क्योंकि ये कई साल से ना बंद खड़ी थी, 1.5-2 साल तो ये बंद ही खड़ी थी, तो इसका ना साउंड में मेरे को लग रहा है कि इसका गला बैठ गया। इसका गला खोलने के लिए ऐसे गला खोलना पड़ेगा, ऐसे खोलना पड़ेगा इसका गला जब खुलेगा। ऐसे तो नहीं खुलेगा, रेड लाइट हो गई। क्या रैपिडो चला रहे हो क्या बिना हेलमेट? इसमें हेलमेट नहीं लगता? इलेक्ट्रिक का ऑप्शनल होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? इलेक्ट्रिक का ऑप्शनल। अरे वाह, फिर तो टोरे में घूम रहे पूरा। हमारी तो मजबूरी भाई हेलमेट पहनना, चाहे सेफ्टी तो दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर पे मजबूरी आती है। तो कौन कौन सोचता है भाई कि पहले नंबर पे सेफ्टी नहीं मजबूरी आती है। और देखे अभी क्या क्रैश करवाता साला पागल आदमी। तो भाई मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जो हेलमेट होता है वो पहले नंबर पे मजबूरी, चालान, ये सब होता है, सेफ्टी इश्यूज तो भाई सेकंड नंबर है। तो क्या आपको भी यही लगता है? बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों की तो मौज हो रखी होगी भाई। अरे क्या कर रहे हैं भाई, जा लेने दे ना, यहाँ चल रहा ना वहाँ चल रहा। और अगर आपको ना पता हो ना तो मैं बता देता हूँ भाई, मैं पॉल वॉकर का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ तो क्या यार, हूँ ही, बट अब ही इज़ नो मोर। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो हु इज़ पॉल वॉकर, देन द पॉल वॉकर इज कौन है? पॉल वॉकर फास्ट एंड फ्यूरियस में जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो है पॉल वॉकर। तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ मैं, तो मुझे स्पीड से खेलने की बड़ी आदत है। बट अभी डेढ़ दो साल से तो कोई आदत नहीं है। ये क्या था, ये मुझे घूर क्यों रहे भाई, इतनी जगह पड़ी तो है, ले जा बनी भाई। अरे भाई साहब फुल रिस्की। चलो चलो चलो, हाँ भाई, हेलो, हाँ भाई, तू धर दे फोन, साले बकवास ना कर, मैं राइड पे हूँ। तो अभी जिस दोस्त का कॉल था ना, कह रहा कहाँ है, मैंने कहा राइड पे, कह रहा जोमेटो राइड करने लग गया। मैंने कहा जोमेटो नहीं, जोमेटो तो नहीं करता मैं, कह रहा तो फिर रैपिडो। मैंने कहा अरे भाई रख दे यार, मैं भी थोड़ा बीज हूँ। कह रहा सही है भाई सही है, कमाल है कमाल है, पैसे कमाल है। मेरे को इतनी तेज़ हंसी आई, इतनी तेज़ हंसी आई, क्योंकि उसे पता नहीं है ना मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ। अरे भाई साहब क्या खतरनाक बंदा है यार। मैं कह राइड पे हूँ, कह रहा जोमेटो राइड करने लग गया, मतलब हद कर दी भाई उसने। उस पर ये तो पता है कि मेरे पे ये वाली बाइक है, लेकिन राइडिंग जैसे मुझे नहीं पता था राइडिंग वाइडिंग का, उसे भी नहीं पता। तो भाई ये सीन हो जाता है यार दोस्तों में। भाई ये वाला मौसम देखो कैसा हो रखा है इस टाइम, सूरज सामने, यानी कि हम धूप के अपोजिट साइड चल रहे हैं। भाई साहब सामने सूरज है वो देखो, और ये वाला मौसम रोड पे देखो कितना प्यारा लग रहा है, ठंडी हवाएं ये कह रही हैं क्या खूबसूरत मौसम। अरे वाह 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 भाई वाह, आज तो भाई गुड़गांव के दूसरे कोने पे आ गया मैं, हंस एनक्लेव क्या 48 वाले रोड पे आ गया हूँ क्या मैं, स्पिनी ओके ऐसा, इतनी दूर आ गया मैं, पूरा गुड़गांव क्रॉस करके भाई। एक तो ये ऑटो वाले
या ऐसे कट मारते जैसे आगे पीछे कोई हो ही नहीं है, प्लेन रोड पे खुद चला रहे हो और खाली चला रहे हो अकेले। अभी ये ऑटो वाला कट मार रहा है इतना गंदा भाई, बंदा ना आगे देख रहा ना पीछे ना राइट ना लेफ्ट, बस कट मार दे रहा है। फिर ये पिटते हैं ना तो लोग भी यूँ सोचते हैं यार बंदा इसको गलती पीट रहा है। अरे भाई कोई बिना बात पे चलते ऑटो वाले को थोड़ी पिटेगा, कुछ गलती करी होगी, साढ़े इंच भी पीटते हैं। चलो भाई फिलहाल घर निकला जाए, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बाहर निकले हुए। इट्स टाइम टू रीच होम। मिलते हैं ब्रेक के बाद।